हाजीपुर औद्योगिक थाने की पुलिस ने तकरीबन 40 लाख की विदेशी शराब जब्त की है। 500 कार्टन शराब संतरे के कार्टन के नीचे छिपा कर रखी गई थी, जिसे पुलिस टीम ने गश्ती के दौरान NH-322 से जब्त की। औद्योगिक थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि शराबबंदी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गश्ती दल हरियाणा नंबर वाहनों की जाँच कर रहे थे, तभी सड़क किनारे खड़े ट्रक की जाँच की गयी। इस दौरान संतरे के कार्टन के नीचे विदेशी शराब जो छिपाकर रखी गई थी उसे बरामद कर ली गई। हालांकि इस दौरान किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक धंधेबाज शराब को उतारने की ताक में थे। इससे पहले ही शराब कारोबारियों के काले कारनामे का पर्दाफाश कर लिया गया। पुलिस शराब कारोबारियों की तलाश में जुटी है। ये गश्ती के क्रम में रात्रि करीब 9 बजे गश्ती के क्रम में इंडस्ट्रियल एरिया में पूर्व में भी इस तरह का शराब पकड़ा गया था। तो हम लोग एक अभियान चलाए हुए थे कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी हरियाणा नंबर की खासकर कोई गाड़ी होगी तो उसका हम लोग प्रॉपर रूप से चेक करें। उसी क्रम में इंडस्ट्रियल एरिया में चेकिंग के क्रम में एक हरियाणा नंबर की गाड़ी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क किनारे लगी हुई थी। उसी को संदेह के आधार पर जब उसको चेक किया गया तो उसमें किनू मिला, संतरा किनू। तो शक हुआ तो फिर उस पेटी को जब हटाया गया ऊपर से तो नीचे में दारू मिला। कितने पेटी है सर कार्टून? ये करीब 480 कार्टून शराब बरामद हुई है। कार्टून कितनी राशि? करीबन 35-36 लाख की होगी। गिरफ्तारी किसी का? गिरफ्तारी इसलिए इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि ये गाड़ी को ट्रक लगा के छोड़ी हुई अवस्था में पाया गया था। ड्राइवर वगैरह का हम लोग अपने स्तर से खोजबीन किए लेकिन पता नहीं चला। गाड़ी को लगा के रखी गई थी, लॉक करवाई आगे की। आगे की करवाई गाड़ी का जो नंबर है और ठीक है उससे हम लोग गाड़ी के ऑनर को और जो शराब के कारोबारी है उसका पता लगाएंगे और उस अनुसार से अगलता करवाई करेंगे।